स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर एक बड़े खास टॉपिक के साथ। जसमीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का टॉपिक ये है, देखने में आ रहा है कि कई स्टूडेंट्स कनाडा में पहुंचने के बाद कॉलेज में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करते। कहा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स इलीगल हो जाते हैं और वहाँ जाके वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका नुकसान क्या है और इससे बचा क्यों जाए, क्या क्या सावधानियां स्टूडेंट्स बरतें, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। ये तमाम पहलू हैं जिस पे आज बात करेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। जसमीत जी आप ये बताइए कि कई स्टूडेंट्स हमारे कनाडा पहुंचते ही कॉलेज नहीं जाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, इन चीज़ों का नुकसान क्या है स्टूडेंट्स के लिए, ये तमाम पहलू बड़े ज़रूरी हैं। सो सी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आजकल ये है कि सपोज़ किसी का नायगरा कॉलेज है, किचनर का कॉनस्टोगा कॉलेज है, टिमिन्स का नॉर्दर्न कॉलेज है, सू कॉलेज का सू सेंट मैरी कॉलेज है। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स आर अनएबल टू गेट डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट जाते हैं ब्रैम्पटन टोरंटो उतरते हैं और उसके बाद वो ब्रैम्पटन जाते हैं, तो वहाँ उनको लगता है कि यार यहाँ बहुत बढ़िया है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हमने जो कोर्स लिया है वो सही नहीं है, और जो कोर्स अब यहाँ पे लेंगे हम इजी लेंगे, हम फुल टाइम काम करेंगे, और वही बच्चों का एक माइंडसेट बना हुआ है और आगे जाके ये उसके आउटकम्स नहीं सोचते। सो ये बहुत कॉमन है सुरेंद्र जी के बच्चे वहाँ जाके कॉलेजेस छोड़ते हैं बट रियली नॉट थिंकिंग अबाउट द आउटकम्स विच दे विल बी अफेक्टेड इन फ्यूचर। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में दिक्कत आ सकती है, PR में दिक्कत आ सकती है, स्टेटस इलीगल हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें सोचे समझे बिना बच्चे ऐसे छोड़ते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बच्चा हमारा बैचलर डिग्री में गया एंड वो यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, ब्रैम्पटन में अपने कज़न के पास चला गया, और पहुंचते ही उसने कॉलेज को मेल की कि मैंने नहीं आना, तो कॉलेज ने कहा कि रजिस्ट्रेशन आपने की हुई है तो आपकी तो एक सेमेस्टर की फ़ीस कट जाएगी। सो बच्चे ने कहा ठीक है कटने दो। सो वो फीस जो उसकी कटी वो क्लोज टू 8 लाख रुपीज़ उस बच्चे की कट गई। वेयर एज अगर हम कोशिश करते, उस यूनिवर्सिटी का कैंपस ब्रैम्पटन में भी था तो बच्चा एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ के और नेक्स्ट सेमेस्टर में ब्रैम्पटन में ट्रांसफ़र ले सकता था, तो बच्चे ने सोचे समझे बिना 8 लाख रुपये का नुकसान करा लिया। सो उसका स्टेटस भी इलीगल हो गया। सो 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया, स्टेटस इलीगल हो गया उस बच्चे का। पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, मेरे पास आए एंड दे सेड हम चाहते थे कि बच्चा हमारा IT प्रोफेशनल बने, और बच्चा वहाँ जाके किसी की बातों में आके उसने बैचलर डिग्री छोड़ दी और टूरिज्म के डिप्लोमा में एडमिशन ले ली। वेयर एज अब वो कहता है कि मैं अब टूरिज्म में कुछ करूँगा। सो कहाँ तो IT प्रोफेशनल बनने जा रहा था और कहाँ वो सिर्फ टिम हॉर्टन्स पे सारी ज़िंदगी खड़ा होके कैशियर या वहाँ पे काम करेगा। सो आई डोंट नो कि हम क्या फ्यूचर देख रहे हैं बच्चों। बच्चे लाइफ सारी लाइफ में छोटी जॉब करना बड़ा मुश्किल है, कल के आपके बच्चे होंगे तो आप सारी ज़िंदगी छोटी जॉब्स नहीं कर सकते। सो ट्राई टू गेट अ प्रोफेशनल एजुकेशन व्हाट यू आर गोइंग फॉर टू कैनेडा एंड ट्राई टू स्टे इन द सेम कॉलेज। डू नॉट स्पॉयल योर इमिग्रेशन हिस्ट्री विच इज़ रियली रियली अ सेंसिटिव मैटर। वैन यू चेंज अ कॉलेज दैट टर्न्स आउट टू बी इन योर इमिग्रेशन हिस्ट्री, और कल को आपको नहीं पता इतने बच्चे जा रहे हैं, लाखों बच्चे जा रहे हैं, और कैनेडा अगर स्ट्रिक्ट हो जाता है तो जो बच्चे कॉलेज चेंज करते हैं या जो बच्चे इलीगल होते हैं तो दे विल स्टार्ट डिपोर्टिंग दैम बैक टू इंडिया। सो राइट नाउ ऑल्सो देव बीन 200 स्टूडेंट्स डिपोर्टेड इन पास्ट 2-3 मंथ्स। सो स्टूडेंट्स मेरे को लगता है कि हम चीज़ जो बहुत सेंसिटिव है इसको बहुत समझ समझ के करें। अगर जो जिस कॉलेज में आपका वीज़ा आया है, जिस कोर्स पे आपका वीज़ा आया है वो एक सेंसिटिव चीज़ है, उसको सोच समझ के ही अपना कॉलेज चेंज करें, नहीं तो मेरी एडवाइस नहीं है स्टूडेंट्स कोई भी कॉलेज चेंज करें। बिल्कुल जी। सो कॉलेज चेंज करना है अगर आपको, सोच समझ कर करें, एडवाइस लें। जसमीत जी का नंबर है 9041390412। इलीगल बिल्कुल ना हो और पढ़ाई ना छोड़ें। ये तमाम पहलू हैं जो आने वाले वक्त में आपको नुकसान दे सकते हैं। जसमीत जी क्या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में या कल को PR की नौबत जब बात आती है ये सारी चीज़ें हर्डल बनती हैं उसमें? बिल्कुल बनेंगी। आज बच्चा रियलाइज़ नहीं कर रहा है,
और बिल्कुल बनेंगी ये चीज़ें हर्डल। अभी एक और स्टूडेंट थी, वो लड़की किसी कॉलेज में गई बीसी में, वहाँ से वो फेल हो गई, तो उसने पढ़ाई छोड़ दी, एक दो सेमेस्टर पढ़ी नहीं, तो जब वो पढ़ी नहीं तो उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसको स्टडी परमिट एक्सटेंशन नहीं मिली क्योंकि वो फेल हो गई और उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। अगर आप फेल हो गए हो तो आपको उसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और आपको पास होना है, सो तभी आपको स्टडी परमिट मिलेगा। एंड शी गॉट डिपोर्टेड बैक टू इंडिया, सो शी हैड टू कम टू इंडिया, डिपोर्ट नहीं, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया और रिन्यू नहीं हुआ, एंड शी वाज़ टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया। सो मेरी सबको ये एडवाइस है कि दिस इज इमिग्रेशन मैटर, यू आर गोइंग टू अनदर कंट्री, डू नॉट टेक इट ग्रांटेड कि आपको कल को परमिट एक्सटेंशन मिलेगी ही मिलेगी, डू नॉट टेक इट ग्रांटेड कि आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा, बहुत मुश्किलों से आपको वीजा मिला है, डू नॉट स्पॉयल योर इमिग्रेशन हिस्ट्री। बिल्कुल, तो आप अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री को स्पॉयल ना करें, सोच समझ कर ही फैसला करें। कंफ्यूजन है तो बात कीजिए 9041390412info@landmarkimmigration.com पे, आप ईमेल भी कर सकते हैं info@landmarkimmigration.com। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।